उठने से पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं दादरी से, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीबों पर जंग शुरू कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। सही बात है, गलत बात? सही बात है। जिसके जो चोर थे उन्होंने अपना सब पैसा बदल लिया, और जो ईमानदार लोग हैं आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको बताता हूं ये किया क्यों है इन्होंने। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, सीधी सी बात है और आपको ये समझनी है बात। आठ लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 5, 10, 15, 20 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने हिंदुस्तान के बैंकों से ले रखा है, वो उसको वापस नहीं दे रहे हैं। उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक बात है। इस 8 लाख रुपए के कारण हिंदुस्तान के बैंक किसी को कर्ज नहीं दे पा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, आपको लाइन में खड़ा किया है, और आपका जो कैश है वो आज बैंक के अंदर उन्होंने भर दिया है। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपका पैसा बैंक में रहे। अगर एटीएम चलती आपका पैसा बैंक में रहता? अगर 24,000 रुपए का लिमिट नहीं रखते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा महीने के लिए फंसा रहेगा, तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। अनाज मंडी से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि अपने उद्योगपति दोस्तों का